सो हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 5.2 का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n-8। सो थर्ड और नाइन्थ टर्म क्या, देखिए थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 एंड द नाइन्थ टर्म इज गिवन एज माइनस ऑफ 8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले इस ए पी का कॉन्सेप्ट टर्म 0 होगा, ये निकालने से पहले हम इसकी इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। तो चलिए थर्ड टर्म इज गिवन एज, वी आर गिवन थर्ड टर्म इज 4, सो थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, और थर्ड टर्म किसकी इक्वल होता है, देखिए a प्लस 2d के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए फोर्थ टर्म, यहाँ पे नाइन्थ टर्म क्या दिया हुआ है, सो a 9 इज गिवन एज माइनस ऑफ 8, और ये किसकी इक्वल होता है बताइए, ये होता है a प्लस 8d, एक कम कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे देखिए 2 था तो यहाँ 3 था तो 2 आएगा, 9 था तो यहाँ पे 8 आएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, ये मेरी इक्वेशन 1 है एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करूँगा और a और d कैलकुलेट करूँगा। तो चलिए एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करूँगा, माइनस से तो ये प्लस कर दूंगा मैं, प्लस का माइनस एंड प्लस का ये माइनस, तो देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया देखिए माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए इन दोनों का आप जब सब्सट्रैक्ट करवाओगे तो क्या बचेगा, प्लस 8 है और प्लस 4 है, तो ये 12 हो जाएगा, एक्चुअल में ऐड हो जाएगा दोनों। और इस तरफ देखिए आप, ये प्लस 2d है और ये माइनस 8d है, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6d, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस 2, सो d मुझे मिल गया माइनस 2। सो डिफरेंस एक बार मुझे जैसे ही मिल गया, मैं इसे इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा और a की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। सो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d दिया हुआ है, सो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस 2, सो 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये प्लस हो जाएगा साइड, सो इनिशियल टर्म मुझे मिल गया 8। तो मुझे अब इनिशियल टर्म भी मिल गया, डिफरेंस भी मिल गया है। अब ये पूछ रहा है आपसे विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, तो इस ए पी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो मुझे पता नहीं कौन सा टर्म 0 है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, मैं मान लेता हूँ उस ए पी में 0 आ रहा है कहीं पे और वो nth टर्म पे आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, मैंने मान लिया nth टर्म पे 0 आ रहा है और उसे मैंने 0 से इक्वेट कर दिया है, nth टर्म की जगह पे 0 रख दिया है। तो यहाँ से देखिए a कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, यही मुझे देखना है n कितना है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2, सो मैंने d यहाँ पे पुट कर दिया माइनस 2। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये माइनस 8 जाएगा इस तरह पर होने के बाद, सो माइनस 8 हो गया, और इक्वल किसके, ये एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 2, सो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 डिवाइड में आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, सो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो एन की वैल्यू बताइए क्या जाएगा, एन ये 4 प्लस 1 हो जाएगा विच इज 5। इट मीन्स इस ए पी के अगर आप 5 टर्म्स लिखो तो 5th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा आपका, 0 मिलेगा आपको 5th टर्म पे, ठीक है। सो गाइज ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया बिल्कुल। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।